वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई प्रॉपर्टी में। सरस्वती अभी अभी हम उठे हैं, ये देखो ब्रश करने जा रहे हैं हम, क्योंकि इसके अंदर अटैच्ड वॉशरूम नहीं है। ये पूरी प्रॉपर्टी आपको दिखाएंगे हम मनाली में, और ये देखो सामने नदी बह रही हो। ये चाय कैफे, हाँ ये छोटा रेस्टोरेंट जैसा एरिया है, और ये पूरा प्रॉपर्टी दिखाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन वो सब बताएंगे। यहाँ पे अगर आपको आना है तो कैसे बुकिंग करना है, ये सारा पूरा बॉनफायर और वैसा वाला एरिया है। देखो रात को यहाँ पे आग जल रही थी जब हम पहुँचे थे, और ये हाईवे है, देखो हाईवे के ऊपर ही है ये, बिल्कुल ये हाईवे आपको दिखाई दे रहा होगा, और साथ में ही नदी है, ब्यास नदी के साथ साथ ये पूरा है। पूरा एड्रेस वगैरह कैसे कैसे पहुँचना है वो सब डिस्क्रिप्शन में बताएंगे। मैंने भी मुँह नहीं धोया है अभी, बस अभी ब्रश वगैरह निकाल के आपके लिए शूटिंग करने आया है सीधा। चलो शुरू करते हैं। चलो भाई अब आपको ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं। यहाँ पे देखो पहला टेंट, दूसरा, इसमें हम रह रहे हैं, पाँच तो ये टेंट है, और इसके साथ कॉटेज भी है। तो अभी कॉटेज ऑक्यूपाइड थे तो हम अभी इसमें रह रहे हैं, अगर दो दिन बाद आते तो ये हमें कॉटेज भी मिल जाते, और आपको कॉटेज भी बुक कर सकते हो, मैं कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इन सबको आप चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे देखो जो अटैच वॉशरूम नहीं है ना उसमें, तो ये वॉशरूम्स अलग बना रखे हैं, काफ़ी सही मतलब ठीक ठाक व्यवस्था है, वो इंडिया वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट ये बना रखा है इधर। और बड़ा मतलब एक दिक्कत होती है बस कभी कभी, ये देखो मैं हूँ, ये एक दिक्कत होती है कभी कभी, जैसे रात में ना वो कंफर्ट महसूस नहीं होता अगर अटैच्ड वॉशरूम नहीं होता तो। अटैच्ड होता है तो काफ़ी कंफर्ट महसूस होता है। एक वॉशिंग मशीन भी है, पता नहीं पर ये वर्किंग है कि नहीं, वो आप पूछ लेना, काफ़ी सही है। मतलब 1, 2, 3, 4 टॉयलेट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और शायद होगा और कोई भी, एक उनका उधर भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का ये प्रॉपर्टी दिखाई देता है। नेचुरल ट्रेल्स हैं। कैंपिंग अगर आपको मनाली में करनी है तो आप यहाँ पर आ सकते हो, मैं कॉन्टैक्ट वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। व्यूज़ काफ़ी सही है यहाँ से, नेचुरल वो है, और एकदम प्रकृति का जो इसको पसंद होगा, जैसे यहाँ पे आप चेयर लगा के अपनी कॉटेज के बाहर चेयर लगा के बैठ सकते हो। ये प्लेटफॉर्म्स दे रखे हैं, प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बना हुआ है, तो चेयर लगा के बैठने में ऐसे बड़ा मज़ा आता है। जैसे ये चेयर रखी हुई है यहाँ पे, एक चेयर वेयर ये दे देते हैं, वहाँ पे भी हैं बहुत सारी चेयर, तो चेयर लगाओ बैठो यहाँ पे, या फिर आपको खाना पीना है तो इस वाले एरिया में आके आप खा पी सकते हो, या फिर कैंप के अंदर भी मंगा सकते हो। तो इस तरह का आपको फीलिंग आएगा अगर आप यहाँ पे आओगे तो, मज़ा आएगा, और ब्यास नदी के रिवर के मज़े होंगे। देखो सरस्वती अभी कोलगेट कर रही है, जब पूरा खाली रहता है ना तो पूरा आपका होता है, मतलब इंजॉय करो पूरा ऐसे। ये देखो नदी बह रही है, ब्यास नदी है ये, पूरा मनाली के साथ साथ बहती है, और इसी के साथ साथ पूरा हाईवे है जिससे हम रात में पहुँचे थे। और ये इस तरह के झूले कई जगह पर लगे हुए हैं यहाँ पर, झूला नहीं बोलते, क्या बोलेंगे इसको पता नहीं, इंग्लिश पता नहीं मेरे को क्या बोलते हैं, इसको बता दो कमेंट करके। ये जगह जगह पे ये बने हुए हैं, एक ये है, एक चैम्बर वो है, एक वो है, ऐसे करके रिजॉर्ट टाइप का ये पूरा एरिया। अभी अभी इंस्टाग्राम लाइव करा मैंने यहाँ से, क्या सुंदर जगह है यार, ये पीसफुल महसूस हो रहा है। देखो सरस्वती भी बैठी हुई है, सरस्वती झूले पर बैठ के मोबाइल चला रही है और सामने वादियों को देख रही है। नदी की आवाज़ आ रही है और पीसफुल लग रहा है, मतलब यहाँ पे बर्ड्स वगैरह की आवाज़ आ रही है। सरस्वती तो कुछ बोल ही नहीं रही है, पता नहीं लाइव कर रही हो क्या तुम भी इंस्टाग्राम लाइव? अच्छा इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेना भाई, इंस्टाग्राम पे आपको ठीक से दिख जाएगा सब कुछ, प्रॉपर्टीज़ और वो सब लाइव, मतलब जिस वक्त हम जहाँ पे हैं वो सब पता लगता है। बाकी हम मज़े ले लेते हैं यहाँ पे, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं पहले। ये सरस्वती का हाइजीन किट है, ये इसके अंदर वो सब रहता है, फेस वॉश और वो सब। हमें अभी भूख लग रही थी तो स्टाफ को हमने मैसेज कॉल किया, वो बोले अभी तो वो उठे नहीं है, हम आ गए किचन में, यहाँ पे किचन है इनका, हम कुछ बना के खा लेते हैं। चलो भाई सुबह सुबह हमने कई बार ऐसे करा है, हम ऐसे ही करते हैं, पहले लाइट जलाएँगे, लाइट जलाओ, खाना बनाओ। चलो भाई खाना बना लेते हैं, कुछ रसो भी नहीं यहाँ पे। ये देखो रात के खाने के बर्तन हमने कैंप के बाहर ही निकाल के रख दिए, ये लोग उठा के ले जाएंगे, और हमारे लिए चाय लेके आए सुबह सुबह। पराठे तो मैंने खा लिया, सरस्वती ने मेरे लिए पराठे बनाए, क्योंकि वो स्टाफ सो रहा था तो सरस्वती ने बना दिया था। सरस्वती नॉर्थ में पराठे, मतलब साउथ में पराठे होते नहीं हैं, तो इनने पहली बार बनाए थे, मतलब ठीक ठाक थे, और चाय इन्होंने बना दिया। अब सरस्वती तुम्हारे लिए पराठा नहीं आया आ रहा है? ये देखो मस्त यहाँ पे बैठेंगे, मज़ा आएगा। हाँ
सुंदर जगह। ये देखो मुनीश भाई ने हमको यहाँ पे मुनीश भाई ने हमको यहाँ पे होस्ट किया। मुनीश भाई, आप यहाँ पे जो प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह कराते हो, तो अगर किसी को प्रॉपर्टी वगैरह चाहिए होगा तो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मनाली में प्रॉपर्टी वगैरह चाहिए या होटल वोटल खोलने का इरादा है तो भाई को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये देखो, ये इस प्रॉपर्टी की भी डील भाई ने ही कराई है और यहाँ पे हमको इन भाई ने ही होस्ट किया है, बिल्कुल हाईवे पे। बाकी मनाली वनाली में कहीं चाहिए होगी या और कहीं भी? जहाँ मर्जी, सिर्फ मैं हिमाचल में जहाँ मर्जी। अच्छा, हिमाचल में कहीं भी, कसोल में करवा दोगे? कसोल में मिल जाएगी। और बताओ थोड़ा कुछ, जैसे पूरे कहीं भी चाहिए होगी, तीर्थन जी भी, जहाँ मर्जी। अच्छा भाई, देख लो, किसी का इरादा हो कि प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने का इरादा है हिमाचल में, अगर प्रॉपर्टी लेनी है तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते। दोबारा बोलो। मैंने कहा हिमाचल में कहीं भी, आप मुंह पे थोड़ी रख देगा मेरा, बोलो। हिमाचल में कहीं भी कैमरा प्रॉपर्टी लेना हो तो आप मुनीश भाई को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उनका ये प्रॉपर्टी भी उन्होंने ही डील करवाई है और काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज में उन्होंने काम किया है। तुम बताओ ना, हिमाचल में तुमने कहाँ कहाँ घूमा? हिमाचल में मैं कहाँ, धर्मशाला, डलहौजी, कसौल, मणिकरण और जगह के नाम याद नहीं है, आप वीडियो देखो यूट्यूब में, सब दिखेंगे आपको। नाम इतना याद नहीं रहता मुझे, लेकिन मैं बहुत सारे जगह गई हूँ। चलो भाई, हमने आपका ये भी डीलिंग करवा दिया, कहीं पे भी हिमाचल में इन्वेस्ट करना है, कसोल वसोल में प्रॉपर्टी, कैफे अगर खोलने का इरादा है तो कैफे वैफे, तो भाई को कांटेक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। ये देखो, इसका ऐसा रास्ता दिखाई देता है। कुछ रात में तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे तो शूटिंग नहीं कर पाए, कैसा रास्ता है क्या, और अंधेरा भी रहता है तो इस तरह की सीढ़ियों से आपको थोड़ा सा ऊपर आना पड़ता है, कुछ 20-30 मीटर, कुछ 30 सीढ़ियाँ समझ लो। हाँ, क्या कर रखा है पोले? अच्छा, शिवलिंग बना रखा है, ओम बना रखा है किसी ने। ये देखो, ऐसा कुछ नेचर का आपको ट्रेल मिलेगा, यहाँ पे आप आ सकते हो। और यहाँ पे लिखा हुआ है मंडी, नहीं कुल्लू, सॉरी मनाली 8 किलोमीटर, ऐसा लिखा हुआ है। इसी बोर्ड पे आपको रुकना है, अभी दिखा दूंगा मैं। अभी रोड पे हम पहुँच गए हैं, ब्यास नदी के साथ साथ ही रोड है तो इजी एक्सेस है। हम ऐसे ही नीचे घूमने को आए थे तो मनीष भाई ने बोला कि गाड़ी खड़ी है, चलो मनाली राउंड मार के आते हैं, मनाली 8 किलोमीटर। तो अब मनाली जा रहे हैं 8 किलोमीटर। यहाँ पे देखो, ये इसे आप पहचान सकते हो, मनाली 8 किलोमीटर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। उस तरफ से देखोगे तो मनाली 8 किलोमीटर लिखा हुआ दिख जाएगा। ये काला चश्मा बहुत काम आता है भाई। अब हम मनाली तक राउंड मार के आते हैं जरा। इतना तेजी से कर दिया था, क्या ये दरवाजा तेजी से ठप बंद कर दिया था, वो उन्होंने इतना चिल्लाया, बोले ठप नहीं बंद कर दी। हाँ, तो बहुत तेज करती है, मैंने देखा है तुझे। हल्के से किया तो वो हुआ नहीं। अब समझ में नहीं आता कितना इसमें करना चाहिए, मतलब आवाज भी ना आए और क्लियर से बंद भी कर दो, वो करना चाहिए। तो फिर सबके कान में रुई लगानी पड़ेगी। ये देखो भाई, मनाली के रास्ते पे हमारा सफर शुरू हो गया है, 8 किलोमीटर का। 8 किलोमीटर है ना यहाँ से? पाँच किलोमीटर है, 8 किलोमीटर लिखा हुआ है, 5 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ से जाएंगे, आएंगे, मजे करेंगे। सीट बेल्ट लगा लो सरस्वती, आवाज नहीं आ रही क्या तुमको? क्या है? नहीं चाहिए, नहीं, हम तो यात्रा कर रहे हैं, अगर हम वैसे आते तो ले लेते। वैसे कितने रुपए का होता है? 50 रुपए का। 51 कप है, 50 का 2 है, 50 का नहीं। 30 का एक कप, 1 कप है ना, 50 का 2 कप। अच्छा, देखो भैया, आंटी जी सुंदर सुंदर यहाँ पे फल बेचती हैं। आंटी जी भी सुंदर है। आंटी जी भी लाल है एकदम उसकी तरह ही। कहाँ से हो आप? यही से, मनाली से। मनाली से ये आपके फार्म में उगता है कि आप ले खरीद के लाते? हम खुद अपने फार्म में उगा, अपने हाथों से तोड़ा ही आपने? अपने हाथों से। अरे बाप रे, बड़ा मेहनत करते हो आप तो लोग। फिर पहाड़ों ऊपर से ले आए हो? हाँ, पहाड़ों से लाते हैं हम। दिन में पूरा बिक जाता है? हाँ, दिन में कभी लगता है कभी नहीं लगता। अब देखो, तुमने महिला सशक्तिकरण बोला था ना, सिर्फ घूमने से नहीं होती, ये देखो काम करते हैं यहाँ के महिलाएं। हर एक, मैं तुमको बताऊँ, हर एक लेडी जो होती है ना, वो घर भी चलाती है और बाहर ये सब भी करती है। आप घर भी संभालते होगे ना? फिर क्या, फिर काम भी संभालते हो? बाय डिफॉल्ट लड़कियों का यही है ना रूल कि आपको घर संभालना ही पड़ेगा, आप कुछ भी करो घर संभाल लेते हैं। और इंडिया में तो खैर लड़कियां ही सब करती है, लड़के तो कुछ नहीं करते। अच्छा है, आप लोग बहुत मेहनत करते हो। बहुत मेहनत करते। थैंक यू। हमारी गाड़ी ने पेट्रोल पी लिया, अब हम निकलते हैं। ये देखो, ये गाड़ी का नाम क्या है? अच्छा लगता है यार देख के, यहाँ पे भी और नॉर्थ ईस्ट में भी, नेपाल में भी, और वहाँ से पूरी जो बेल्ट शुरू होती है ना आगे तक, कंबोडिया में भी मैं गया था, थाईलैंड भी, वहाँ पे सारी आपको लड़कियाँ ही काम करते हुए दिखेंगी।
कंबोडिया थाईलैंड तक, मतलब पूरा नॉर्थ साउथ ईस्ट, बस यहाँ पे नॉर्थ में ही थोड़ा सा ऐसा है कि मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। अब यहाँ पे भी बदल रहा है वैसे तो, पर वहाँ पे मजबूरी में बोल लो या कैसे भी, पर महिलाएं काम करती हैं, महिलाएं चलाती हैं, काम करती हैं, और यहाँ पे पहाड़ों में तो करती हैं, देखा ही होगा जिसने। सही है यहाँ पे भाई, अच्छा लगता है देख के। तो मनाली में पहुंचने के लिए सबसे सस्ता साधन है भाई ये बस के द्वारा आप आ सकते हो। बस से ऑनलाइन बुकिंग आप कर सकते हो, 547 रुपये में आप मनाली पहुंच सकते हो, या फिर ऑनलाइन ना करके आप ऑफलाइन भी सीधा जा सकते हो। कश्मीरी गेट से आपको दिल्ली से बस मिल जाएगी, या फिर चंडीगढ़ से भी आप बस ले सकते हो मनाली के लिए। जो मैंने अभी आपको रेट दिखाया ये है दिल्ली से मनाली तक का रास्ता, जो कि ऑनलाइन 547 रुपये मात्र 547 में आप यहाँ पे पहुँच सकते हो मनाली में। और मनाली में रहने के लिए मैंने आपको ये कैंप दिखा दिया था। इसके अलावा आपको यहाँ पे गुरुद्वारा भी मिल जाएगा और हॉस्टल में भी आप रह सकते हो। अगर आप सस्ते में घूमना चाहते हो हिमालय में तो आप मनाली में आ सकते हो और इतनी सुंदर सुंदर जगहों का आनंद ले सकते हो। देखो क्या सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे हैं, और रास्ता भी एकदम साफ है, 4 लेन का रास्ता यहाँ पे आने का। और मनाली में या फिर इससे आगे भी आप घूम के आ सकते हो, और मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो अपने YouTube चैनल पे दिखा रखी है। ये देखो भाई रिवर के बैंक पे पहुंच गए हैं, और ऋषिकेश में तो राफ्टिंग आपने बहुत सुनी होगी, करीबी होगी, पर ये मनाली वाली दिखाते हैं आपको। अभी तो लद्दाख में भी चालू हो गई है राफ्टिंग। राफ्टिंग चालू नहीं है क्या? ये चालू है, दिखते नहीं है लोग यहाँ पे करते हुए। अच्छा आगे होता है, ओके। यहाँ कितने रुपए चार्जेस रहते हैं? बुकिंग है ये तो 800 रुपए पर पर्सन है। 800 रुपए, ओके। ये वाला कौन सा एरिया है? कलात, ये कलात में एक ये लगाया है इन्होंने होर्डिंग राफ्टिंग वगैरह, और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके होती है राफ्टिंग वगैरह। मैंने ऋषिकेश वाली करी हुई है, यहाँ पे अभी नज़ारे बहुत अच्छे दिख रहे हैं, पर फ्लो बहुत ज़्यादा है उस नदी का, तो यहाँ पे तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमारा यही वाला है, हमारा जो कैंप है जहाँ पे हम रुके हुए हैं ये वाला। और मनाली 8 किलोमीटर ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, ये जो हरा वाला जो बोर्ड देख रहे हो आप, यहीं पर ही है हमारा कैंप। डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट दे दिया, ये भाई हैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा आपको, आप आ सकते हो यहाँ पे इतनी सुंदर जगह पे। रिवर बैंक एकदम रिवर के सामने ही है। चलो नीचे चलते हैं हम भी। चल सरस्वती कूद जा, डर मत, कूद जा। महिला सशक्तिकरण, तुम सुसु, तुम्हारे घर पे सब सुसु। हट, तूने ही बोला था अभी स्विमिंग पूल में क्या करती है तू? स्विमिंग पूल में खेलती हूँ। कुछ और बोला था तूने? चलो रिकॉर्ड तो करो, बटन दबाओ। अब देखो सरस्वती कुछ भी मूवमेंट छोड़ती नहीं है, सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है। बोलिए मेरा ये, मैं अपना कैमरा ऑन करके, चलो मैं अपना कैमरा बंद कर। चलो भाई नीचे मनाली हम घूम के आए, रिवर पे भी मज़ा किया। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी यहाँ पे आपको आके रहना है तो कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्रॉपर्टीज़ वगैरह ख़रीदनी है मनाली में हिमाचल में तो वो भी मिल जाएगा। अभी हम थोड़ा सा ऊपर चढ़ के आए हैं तो इसलिए हो रहा है, बाकी यही रोड है, आप आ सकते हो आसानी से यहाँ पे। गाय 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 बाय बाय, हम भी बोलते हैं बाय 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 बाय, थोड़ा गाय के साथ खेलते हैं भाई।